हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माहीएस। फ्रेंड्स, ये पहाड़ी चित्र शैली के बारे में मैं 60 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, पहाड़ी चित्रकला, जिसमें आप गुलेर, कांगड़ा, बसौली, चंबा, मंडी, गढ़वाल, सिख, ये सब जो कलाकृतियाँ होती थी पहाड़ी शैली में, उनके बारे में ये क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चंस, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो डब्ल्यू जी आर्चर थे, उन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी ये पहाड़ी शैली पे, इंडियन पेंटिंग ऑफ द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग्स। ठीक है, तो पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख आश्रयदाताओं में वसोहली के राजा कृष्णपाल और गुलेर के गोवर्धन चंद्र माने जाते हैं। और सबसे पहली जो पहाड़ी शैली की कला थी, शैली थी, उसमें जैसे पहाड़ी शैली में क्या होता है कि कई चित्रकलाओं को डिवाइड किया गया है। जैसे गुलेर, जहाँ जहाँ के स्थानीय पहाड़ी में जो स्थानीय चित्र होते थे, उनको डिवाइड किया गया है। तो जैसे सबसे पुराना था उसमें गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, फिर बसौली, फिर चंबा, मंडी, गढ़वाल, सिख। तो इस तरीके से आप पहाड़ी शैली के बारे में पढ़ेंगे। तो स्थानीय पारंपरिक कला और मुगल शैली में दक्ष कलाकारों के सहयोग से जिस अनुपम चित्रण शैली का विकास हुआ, उसे हम पहाड़ी चित्रकला शैली कहते हैं। इनका मुख्य केंद्र मैंने बता ही दिया। मैटकॉफ महोदय ने सर्वप्रथम इस शैली के चित्रों की खोज कांगड़ा क्षेत्र में की थी। इसके पश्चात डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने सुरुचिपूर्वक इस पर प्रकाश डाला। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले किसने प्रकाश डाला था, तो आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन से पहले मैंने आपको पहाड़ी चित्रकला शैली का एक सिंपल सा परिचय दे दिया है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं, देखते हैं गुलेर राज्य की स्थापना किस वंश में हुई थी। गुलेर राजवंश जो था, उसकी स्थापना हुई थी 1405 में। ठीक है, 1405 में गुलेर राज्य की स्थापना हुई थी। आंसर नंबर 1। नेक्स्ट, पहाड़ी चित्रकला की खोज का श्रेय किस विद्वान को जाता है। पहाड़ी चित्रकला की खोज का श्रेय मैटकॉफ, अभी मैंने बताया, मैटकॉफ को जाता है। महाराजा संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक व उन्नायक रहे, वह शैली है। संसार चंद्र कांगड़ा शैली के पोषक और उन्नायक रहे हैं। महाराजा संसार चंद कांगड़ा शैली से रिलेटेड थे। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतया किस क्षेत्र की है। पहाड़ी चित्रकला जो है वो आपके राइट आंसर इज 3 पंजाब से है, पंजाब की कला से है। पंजाब में पहाड़ी के चित्रकला शैली का प्रादुर्भाव हुआ था। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या है। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल 1786 से 1805, राइट आंसर इज 3rd, 1786 से 1805। ये क्वेश्चन आपके लास्ट के KVS के एग्जाम में आ चुका है। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या थे। तो कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय जो थे, वो रागमाला भी था, कृष्ण लीला भी था और नायक नायिका भी था। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी थे। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा। कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव माना जाता है, मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, राइट आंसर इज 2। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है। राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी और गढ़वाली। तो राइट आंसर इसका पहाड़ी हो जाएगा, पहाड़ी चित्रकला शैली। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनमें से इनके समय में हुई। उन्नति पूछ रहा है, तो उन्नति किसके समय में हुई। राजा संसार चंद्र, राजा संसार चंद्र के समय में कांगड़ा शैली का उन्नति हुआ था। राग रागनियों का अंगन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है। राग रागनियों का अंगन कांगड़ा शैली में सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं। संगीत से चित्र रागमाला, राग होता है संगीत, उससे जो चित्र होते हैं वो रागमाला। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 हो जाएगा। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी चित्रों में कौन सा रंग प्रयोग किया गया था। गहरे रंगों का प्रयोग हुआ था, गहरे रंगों का प्रयोग किया गया था। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं। गीत गोविंद जो कि पहाड़ी शैली में बना है, इसका चित्र किस शैली में बना है। पहाड़ी के बसोहली शैली में, गीत गोविंद बसोहली शैली में बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बनते थे।
सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र पहाड़ी शैली में बने हैं। शहाबुद्दीन किस शैली का चित्रकार था? शहाबुद्दीन जो था वो पहाड़ी शैली का कलाकार था। अभी हम पहाड़ी शैली के बारे में बात करें, शहाबुद्दीन जो था वो राजस्थानी शैली का चित्रकार था। यहाँ पे कन्फ्यूज़न के लिए दिया है। चित्रकार मनोहर द्वारा 1649 में चित्रित रामायण की प्रति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? राइट आंसर इज फर्स्ट प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय बम्बई में है। चित्रकार मनोहर द्वारा 1649 में चित्रित रामायण की जो प्रति थी वो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 17, भूरी सिंह संग्रहालय में मुख्यतः किस शैली के चित्रों की का संग्रह है? कांगड़ा, किशनगढ़, चंबा शैली, जम्मू शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबा शैली। भूरी सिंह संग्रहालय में चंबा शैली के चित्रों का संग्रह है। मियां भाग सिंह की हवेली में बने भित्ति चित्र किस शैली के उदाहरण हैं? राइट आंसर इज थर्ड मंडी शैली के उदाहरण है। ये सारे क्वेश्चन लगभग केवी में ज़रूर आते हैं। ये नेट के क्वेश्चन में एक दो आएंगे, बट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवी में आ चुके हैं। सजनू नामक चित्रकार ने किस पुस्तक पर आधारित 21 चित्रों की चित्रावली राजा ईश्वरी सेन को भेंट की थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीर हट। किस राजा के शासनकाल में वसूली शैली का सर्वांगीण और स्वाभाविक विकास हुआ था? तो इसमें है विजयपाल, मेदिनीपाल, अमृतपाल और जीतपाल। तो राइट आंसर इज अमृतपाल हो जाएगा। राजा वसूली शैली का सर्वांगीण स्वाभाविक विकास अमृतपाल के शासनकाल में हुआ था। पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? पहाड़ी शैली का समय 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? लॉरेंस विनियन, आनंद कुमार स्वामी, डब्ल्यू जी आर्चर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड डब्ल्यू जी आर्चर ने इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग नामक पुस्तकों की रचना की थी। सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने किस रूप में जन्म लिया था? सर्वप्रथम पहाड़ी शैली ने लोक कला के रूप में जन्म लिया था। ठीक है, लोक कला के रूप में जन्म लिए थे। जैसे मुगल शैली दरबारी कला के रूप में जन्म लिया था, लेकिन पहाड़ी शैली जो थी वो लोक कला के रूप में जन्म ली थी। कांगड़ा का सबसे अधिक क्वेश्चन नंबर 24, पहाड़ी रियासतों में 1760 के लगभग किस कला ने जन्म लिया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पहाड़ी शैली ने। पहाड़ी रियासतों में पहाड़ी शैली ने जन्म लिया था। राइट आंसर इज फोर। पहाड़ी शैली की रेखाएं भावानुवर्तिनी होकर कठोर से कोमल कैसे हो गई? तो भावानुवर्तिनी से होकर कठोर से कोमल कैसे हो गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पंदन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, बसोहली शैली के सर्वश्रेष्ठ एवं संरक्षक एवं प्रवर्तक थे? राइट आंसर इज फर्स्ट कृपाल पाल। बसोहली शैली के सर्वश्रेष्ठ एवं संरक्षक और प्रवर्तक थे कृपाल पाल। बसोहली शैली के समस्त चित्रों के किस में किसके दर्शन होते हैं? बसोहली शैली के समस्त चित्रों में वैष्णव धर्म का दर्शन होता है। राइट आंसर इज फोर वैष्णव धर्म। बसोहली शैली के समस्त विषयों में चित्रों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बसोहली शैली में कृष्ण और उनके प्रेम का के ऊपर ज़्यादा चित्र हुआ है, तो ये कृष्ण और उनका प्रेम बसोहली शैली के चित्रों के प्रेरणा स्रोत कहे जाएंगे। 29, बसोहली शैली के चित्रों में हाशिया किस तरह का है? बसोहली शैली के चित्रों में हाशिया जो होता था सादा होता था। ठीक है, सादा होता था। क्वेश्चन नंबर 30, वस्तु का कोई ना कोई भाग हाशिए में पहुंच जाता है, ये किस शैली से जुड़ा है? तो ये बसोहली शैली के चित्रों में वस्तु का कोई ना कोई भाग हाशिए में पहुंच जाता था। किस चित्रण में उखल बंधन चित्रित किया गया है? उखल बंधन बसोहली शैली में चित्रित किया गया। ये क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है। गुलेर शैली का उदय कहाँ हुआ था? गुलेर शैली का उदय हरिपुर में हुआ था। राइट आंसर इज फोर हरिपुर। गोल पहाड़ियाँ एवं कदली वृक्षों का अंकन किस शैली की विशेषता है? राइट आंसर इज टू गुलेर शैली।
की विशेषता है। गोल पहाड़ियाँ कदली वृक्षों का अंकन गुलेर शैली की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 34, गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में किस शैली के रूप में दिखाई देती है? गुलेर शैली अपने अंतिम चरण में कांगड़ा शैली के रूप में दिखाई देती है, कांगड़ा शैली के रूप में दिखाई देती है। कांगड़ा शैली किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? तो कांगड़ा शैली जो थी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी और मुगल कला के मिश्रण से बनी है। ठीक है, राजस्थानी और मुगल कला के मिश्रण से बनी है। सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा संसार चंद्र था। ठीक है, संसार चंद्र। कांगड़ा की चित्र शैली का संस्थापक कौन था? कांगड़ा की चित्र शैली का संस्थापक, राइट आंसर इज थर्ड, संसार चंद। चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया था? चंबा शैली को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया था राज सिंह ने। राज सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज सिंह, राज सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा शैली अपने मौलिक रूप में किस समय दिखाई देती है? चंबा शैली अपने मौलिक रूप में 19वीं सदी के मध्य में दिखाई देती है। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में दिखाई देती है। लहरू तथा निक्कू किस शैली के चित्रकार हैं? लहरू तथा निक्कू जो थे वो चंबा शैली के चित्रकार थे। मोर चकोर नीलकंठ मुनाली तिब्बती कौवा का चित्रण किस शैली के चित्रकारों ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर, गढ़वाल शैली के चित्रकारों ने किया है। स्त्रियों के मस्तक पर चंदन और टीका किस शैली की विशेष पहचान है? राइट आंसर इज गढ़वाल शैली, राइट आंसर इज गढ़वाल शैली। ठीक है, मोलाराम कहाँ रहते थे? मोलाराम कुल्लू कांगड़ा गढ़वाल नूरपुर में रहते थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गढ़वाल शैली, गढ़वाल में रहते थे। मंडी शैली की प्रमुख मुख्य पहचान क्या है? मंडी शैली की मुख्य पहचान है भारी मुखमंडल एवं छोटे कद। ठीक है, गजलक्ष्मी का चित्र किससे संबंधित है? गजलक्ष्मी का चित्र मंडी से संबंधित है। सिख शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? सिख शैली के सबसे प्रमुख संरक्षक जो थे वो रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह थे। सिख शैली में किस कला का अनुकरण हुआ है? सिख शैली में दक्षिण मंडी चंबा अपभ्रंश जैन कला पाल जम्मू नादौर गुलेर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जम्मू नादौर गुलेर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र थे। सिख शैली के लाहौर तथा अमृतसर प्रमुख केंद्र जो थे वो थे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चंडीगढ़ रोहतक सोनीपत इसमें जो दिया है वो कोई नहीं थे। दस गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए हैं? सॉरी, इसका क्वेश्चन मैंने कुछ गलत बता दिया, क्या था 48 का टू, ऊना आनंदपुर कपूरथला पटियाला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊना आनंदपुर कपूरथला पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, दस गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए हैं? दस गुरुओं के जो चित्र थे वो सिख शैली में बनाए गए हैं, सिख शैली में बनाए गए हैं। अल्लाह बख्श मल्ला राम तथा हरि सिंह ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? राइट आंसर इज फर्स्ट, सिख शैली से संबंधित थे। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार पहाड़ी चित्रों की संख्या कितनी है? पहाड़ी चित्रों की संख्या डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार 50,000 थी। ठीक है, 50,000। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र कौन सा रहा है? पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र जो था वो कांगड़ा शैली रही है। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र बसोहली रहा है, बसोहली प्रधान केंद्र रहा है। औरंगजेब के अनुदान शासन काल में जब मुगलों के दरबार कलाकारों का सम्मान नहीं रहा तो वह दरबार छोड़कर किन पहाड़ी रियासतों में जा बसे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू रियासत में जा बसे। बसोहली परंपरा के श्रेष्ठ प्रतिनिधि चित्र किस पर आधारित हैं?
बसोहली परंपरा के श्रेष्ठ प्रतिनिधि चित्र रसमंजरी पर आधारित है। राइट आंसर इज वन रसमंजरी। मनकू खुशला किशनलाल पुरखू फत्तू एवं बसिया नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा शैली से। मनकू खुशला किशनलाल परखू फत्तू और बसिया नामक चित्रकार जो कांगड़ा शैली से प्रभावित थे। गुलेर नूरपुर सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं? गुलेर नूरपुर सुजानपुर ये कांगड़ा शैली के केंद्र रहे हैं। गुलेर नूरपुर सुजानपुर ये कांगड़ा शैली के केंद्र थे। हीर रांझा सोनी महिवाल तथा गिरिज शाहेबान आदि पंजाब लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड कांगड़ा शैली। हीर रांझा सोनी महिवाल तथा गिरिज शाहेबान आदि पंजाब लोक कथाओं का चित्रण कांगड़ा शैली में हुआ है। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लू का प्राचीन नाम कुल्ट था। कुल्ट राइट आंसर इज फर्स्ट कुल्ट। 59 कुल्लू शैली का जन्म कब हुआ था? कुल्लू शैली का जन्म हुआ था 17वीं शती। राइट आंसर इज थर्ड 17वीं शती। कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं? कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार सजनू तथा भगवान रहे हैं। राइट आंसर इज टू सजनू भगवान। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स 60 क्वेश्चंस। मैं जल्दी एक और नेट का पेपर सॉल्व कराऊंगी। तो मेरे अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, आपको और क्या टॉपिक से क्वेश्चन चाहिए उस पर भी कमेंट करिए। और आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, एग्ज़ाम 26 से स्टार्ट होने वाले हैं नेट के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग कीप लर्निंग।